हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिशा टेक द अल्टीमेट चैनल फॉर ऑनलाइन अर्निंग। सो आज मैं आपको एक कोई भी जॉब्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक अच्छा सा ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आप नॉर्मली फेस करते हैं। तो इस टाइप का जॉब में क्या होता है, सपोज आप कोई भी लिंक को ओपन कर लेते हो और अगर आप सर्विस कर रहे हो, माइक्रो वर्कर का टास्क कर रहे हो, तो कोई भी आप लिंक ओपन करते हो तो डायरेक्टली वो डिफॉल्ट ब्राउज़र में ओपन होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर ब्राउज़र में ओपन होता है। जो कि जैसे कि अगर आप एम आई फ़ोन यूज़ करते हो तो अगर आप कोई भी लिंक ओपन करते हो वो डायरेक्टली एम आई ब्राउज़र में ओपन हो जाता है। जो कि कभी कभी क्या होता है, क्रोम का जो फीचर है, क्रोम ब्राउज़र का जो फीचर्स है वो एम आई ब्राउज़र में नहीं होता है, तो कभी कभी आपको प्रॉब्लम भी आ सकता है। वो साइट ओपन करने में, सर्वे ओपन करने में प्रॉब्लम आ सकता है, सर्वे का कुछ फीचर काम नहीं कर रहा है। तो आपको यहाँ पे मैं आज बताने वाला हूँ कि ऐसे जो डिफ़ॉल्ट में ओपन हो रहा है इसको कैसे आपको मतलब सॉल्व करना है। आप जो भी ब्राउज़र चाहोगे उसी ब्राउज़र में आपका लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये ट्रिक्स बहुत ही ईजी ट्रिक्स है। तो आपको क्या करना है देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो चलते हैं यहाँ पर मोबाइल का जो सेटिंग है, सेटिंग में आप जा सकते हैं। तो सेटिंग के बाद देखिए यहाँ पे वो एक ऐप्स का है, तो ऐप्स के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो ऐप्स के बाद यहाँ पे सिस्टम ऐप्स सेटिंग में जाइए। सिस्टम आपका मीनिंग हो क्या होता है, यहाँ पे जो ऐप्स होता है वो सिस्टम के थ्रू पहले ही दिया जाता है। तो सिस्टम ऐप्स में मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। ये जो सिस्टम का ऐप्स है मतलब एम आई का जितना एप्लीकेशन है यहाँ पर अवेलेबल होगा आपको। तो एम आई ऐप्स में देखिए यहाँ पर एक ब्राउज़र एप्लीकेशन है, मतलब सिस्टम मैं पहले बता देता हूँ, ये ऑलरेडी सिस्टम में प्रेजेंट है, आप इसको अपडेट मतलब अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो ये ब्राउज़र आप देखिए यहाँ पे आपका ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट में ओपन हो रहा है, डिफ़ॉल्ट में है। तो देखिए यहाँ पे जो एक है आपका सेट एज डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का ऑप्शन है, यहाँ पे इसको आप ऑफ कर दीजिए। तो ऑफ करने के साथ यहाँ पे स्विच ऑप्शन चूज कर दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कीप एम आई ब्राउज़र एंड स्विच, और स्विच ऑप्शन में आप क्लिक कर दीजिए। अभी स्विच करने के बाद देखिए ये वाला आ गया। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, और एक आसान सा तरीका आपको अपनाना है यहाँ पे, नहीं तो फिर से वही प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे जो लिखना है आपको ऑन इंस्टॉल अपडेट्स कर देना है, तो यहाँ पे ऑन इंस्टॉल अपडेट करके छोड़ दीजिए। अभी देखिए मैं आपको दिखाने जाता हूँ, मैं अभी मेरा एक मेल आईडी में जाऊँगा, जीमेल में जाऊँगा। यहाँ पर एक लिंक यहाँ पर दिखा रहा है, तो ये वाला लिंक को मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ। देखिए तो देखिए आप, जब मैं ये वाला लिंक को क्लिक कर रहा हूँ अभी, देखिए वो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन नहीं हो रहा है, वो जीमेल का ब्राउज़र में सिंपली ओपन हो रहा है, यहाँ पे जीमेल के थ्रू ओपन हो रहा है। और एक आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो अभी देखिए मैं एक यहाँ पे व्हाट्सअप में एक लिंक ओपन किया हूँ, तो इसको जब मैं क्लिक करूँगा नॉर्मली क्या होना चाहिए, वो ब्राउज़र में ओपन हो जाता है डायरेक्टली विदाउट एनी नोटिफिकेशन। लेकिन अभी अगर देखेंगे तो ये आपको पूछेगा कि आपको कौन सा पॉइंट में आपको ओपन करना है, व्हाट डिवाइस और व्हाट प्रोग्राम यू हैव टू यूज टू ओपन द साइट। तो यहाँ पे पूछने के बाद आपको देखना है यहाँ पे कि देखिए ब्राउज़र भी लिखा हुआ है, और मोर ऑप्शन में अगर जाएंगे यहाँ पे जितना भी ब्राउज़र से सब अवेलेबल है। सपोज मैं यहाँ पे क्रोम सिलेक्ट करूँगा तो ये वाला क्रोम में ओपन हो गया, देखिए मेरा क्रोम में ओपन हो गया। अगर इसको मैं अभी जाऊँगा फिर से व्हाट्सअप में, फिर से क्लिक करता हूँ, फिर से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं अगर फायरफॉक्स में और क्रोम एज में ओपन करना चाहूँगा तो एज में भी ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ओपन हो गया, मैं एज ब्राउज़र में ओपन कर रहा हूँ अभी, सिंपली ये एज ब्राउज़र में ही रिडायरेक्ट होगा। आप देख सकते हैं ये वाला एज ब्राउज़र है, आप देख सकते हैं, मतलब आप कोई भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र अगर है तो आपको इसी तरह आपको चेंज करना है अलग सा ब्राउज़र को। मतलब वो जब भी वो लिंक ओपन होगा आपको डेफिनेटली वो पूछेगा कि कौन सा ब्राउज़र में आप आपका जो लिंक है ओपन करना चाहते हो। तो इस इज़ द बेस्ट मेथड टू चेंज द डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, जो कि नॉर्मली यहाँ पे
बहुत ही दिक्कत देता है। तो ये वाला प्रोसेस यूज करके आप ये वाला जो प्रॉब्लम है, जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का जो प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज़ ए वेरी इजियर वे टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर डूइंग योर टास्क एंड सर्विस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।